नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिस विषय को लेकर के। इस विषय पर हम पूर्व के व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय विचारक, दार्शनिक और शिक्षाविद महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के विषय में हमने जब अपनी चर्चा इससे पूर्व के व्याख्यान में आरंभ की, तो हमने महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन के साथ साथ उनके दर्शन की जो आधारशिला है, उनके सिद्धांत जो है, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उन पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और उनके शिक्षा दर्शन के जो सिद्धांत थे, उनमें उन्होंने अपने सिद्धांतों में जो मुख्य एक सिद्धांत दिया वो ये था कि क्रियात्मक शिक्षा हो, हस्तशिल्प हो, दस्तकारी हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, व्यवसायिक शिक्षा हो, जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा हो। इस तरह की चर्चा उनके शिक्षा दर्शन सिद्धांतों में हमें मिली। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी आदर्शवादी थे, लेकिन आदर्शवाद के साथ साथ प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद भी उनके शिक्षा दर्शन में सहायक रहे। उन्होंने रूसो के प्रकृतिवाद से भी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ली। उन्होंने प्रयोजनवाद, जॉन डीवी का जो है, और प्रयोजनवाद जो रहा है उससे भी वो प्रभावित हुए। वो पेस्टोलॉजी के शिक्षा के केंद्र में बालक रहना चाहिए, उसको भी उन्होंने अपने साथ लिया। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो दर्शन है वो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का समन्वय कहा जा सकता है। अब हम गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ क्या दिया है उस पर विचार करते हैं। गांधी जी ने कहा कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही आरंभ, ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किए जा सकते हैं। ये गांधी जी का कहना था, ये गांधी जी की एक परिभाषा, या मैं कहूँ कि गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ देते हुए कहा है कि साक्षरता जो है वो ना तो अंत है और ना ही प्रारंभ है, ये केवल एक साधन है और इस साधन के द्वारा स्त्री और जो पुरुष है उनको शिक्षित किया जा सकता है। यदि मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूं तो कहा जा सकता है कि उनकी शिक्षा का अर्थ था पूर्व पूर्ण मानव का विकास। पूर्ण मानव से यहाँ अभिप्राय सर्वांगीण विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, सारी सारे विकास जुड़ जाते हैं। और शिक्षा की परिभाषा भी, जब गांधी जी की परिभाषा की हम बात करते हैं, जो गांधी जी ने डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन दी है वो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। गांधी जी ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। ये गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दी है। गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा के बाद में गांधी जी द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन पर विस्तृत विचार करते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने कहा, शिक्षा के उद्देश्य देते हुए, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। सर्वोच्च उद्देश्य के बारे में उनका कहना था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव करना, ईश्वर का ज्ञान और आत्मानुभूति का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। सर्वोच्च उद्देश्य यानी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य
वास्तविकता का अनुभव करना। वास्तविकता है क्या? क्या पुस्तकों में लिखी हुई हर बात वास्तविकता है? क्या सुनी सुनाई चीजें वास्तविकता है? नहीं, वास्तविकता का अनुभव किया जाए और ईश्वर का ज्ञान और उसकी आत्मानुभूति का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना और व्यक्ति को ईश्वर तथा आत्मानुभूति के लिए कार्य करने योग्य बनाना, ये शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। ये उनका सर्वोच्च उद्देश्य था शिक्षा का। तदुपरांत उन्होंने शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों की बात करी। इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, तात्कालिक यानी तुरंत तुरंत जो हमें परिलक्षित हो, हमें दिखाई दे, जिसे हम कह सके कि ये हमारा उद्देश्य था और इसके हमने प्राप्ति कर ली, उसको उन्होंने अपने प्रकार से दो भागों में विभाजित किया है। पहला तात्कालिक उद्देश्य गांधी जी ने शिक्षा का बताया नैतिक उद्देश्य, और दूसरा बताया मुक्ति का उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य की चर्चा करते हुए गांधी जी ने कहा, समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। बहुत ही सुंदर शब्दों में गांधी जी ने नैतिक शिक्षा की बात करी और उन्होंने कहा कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। कैसे? चरित्र के बिना शिक्षा नहीं है और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। जो गांधी जी के हम बात कर रहे थे, गांधी जी के सिद्धांतों की बात कर रहे थे, उनकी विवेचना कर रहे थे, जब हमने इससे पूर्व की उनके व्याख्यान में हमने चर्चा करी थी, और हमने चर्चा करी थी सत्य की, हमने चर्चा करी थी अहिंसा की, हमने सत्य चर्चा करी थी सत्याग्रह की, हमने चर्चा करी थी भयमुक्त होने की, और हमने चर्चा करी थी ईश्वर की। तो जब हमने ये चर्चा की तो जो नैतिकता है, नैतिकता का पर्याय है मानवता, और मानवता तभी आएगी जब पवित्रता होगी। लेकिन ये सारे के सारे शिक्षा के बिना संभव नहीं है। और शिक्षा का मतलब यहाँ साक्षरता कदापि नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है शिक्ष धातु से बना हुआ सीखना, यानी वास्तविक ज्ञान को सीखना, जीवन से जुड़ी हुई व्यवहारिकता को सीखना, यही नैतिक उद्देश्य उन्होंने तात्कालिक दिया। दूसरा उद्देश्य उन्होंने कहा कि मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में मुक्ति दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। पहली, मुक्ति का एक अर्थ है समस्त प्रकार की दासता से मुक्ति, और दूसरा है सांसारिक बंधनों से मुक्ति, अर्थात आध्यात्म। मुक्ति का मतलब कोई जीवन से मुक्ति नहीं है यहाँ। मुक्ति का अर्थ है समस्त प्रकार की दासता से मुक्ति, यानी हम अपनी स्वतंत्रता को जब अपने निजी हितों के लिए, व्यवसाय के लिए, धन की लालसा के लिए, या किसी भी कारण से जब हम अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख देते हैं, जब हम पराधीन हो जाते हैं, तो हम दास हो जाते हैं। और जब हम दासता का जीवन जीते हैं तो हमें मुक्ति नहीं मिलती। और शिक्षा का अर्थ है मुक्ति मिलना, यानी मनुष्य किसी दूसरे के अधीन होकर के अपना जीवन ना जिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से अपना जीवन जिए। यदि शिक्षा के माध्यम से वो ऐसा कर पाता है तो ये शिक्षा के मुक्ति का उद्देश्य होगा, जो गांधी जी की परिकल्पना थी। दूसरे अर्थ में है सांसारिक बंधनों से मुक्ति, यानी जो संसार का बंधन है, भौतिक संसाधन, रिश्ते नाते, संबंध, परिवार, संपत्ति, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे बाहर निकल करके जब हम आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, आध्यात्म में लीन हो जाते हैं, तो हम अपने इस जो ये सांसारिक जीवन चक्र है, इसके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कष्ट, दुखों की बात नहीं कर रही मैं, कष्टों की। कष्ट कब होता है? जब हम सांसारिक बंधनों में बंधे होते हैं, पैसे का अभाव, रिश्तों का अभाव, भावनाओं का अभाव, मानवता का अभाव, धन का अभाव, भौतिक संसाधनों का अभाव, हमारी महत्वाकांक्षाओं के पूरा नहीं होने का अभाव। और जब हम इन अभावों में जीते हैं तो हम
निश्चित रूप से सांसारिक बंधनों में बंधे होते हैं, और जब तक हम सांसारिक बंधनों में बंधे होते हैं हम आध्यात्म की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते, और जब हम आध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं होगी और वो शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो शिक्षा के दो प्रकार के उद्देश्य दिए हैं, पहला दिया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने कहा तात्कालिक उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्यों में उन्होंने दो बात करी, और तात्कालिक उद्देश्यों में उन्होंने जो बात करी वो दो चीजें कही, और उनमें उनका कहना था कि नैतिक उद्देश्य और मुक्ति का उद्देश्य। इसके अलावा तात्कालिक उद्देश्यों में ऐसा नहीं है कि गांधी जी केवल मुक्ति की ही बात कर रहे थे, और मुक्ति में आप आध्यात्म की तरफ चले जाइए, या फिर मुक्ति में आप समस्त प्रकार की दास्ताओं से मुक्त हो जाइए। मनुष्य जीवन में ये पूर्णता संभव नहीं है, इसलिए गांधी जी ने तात्कालिक उद्देश्यों में कहा जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जब बालक बालिकाएं वो आत्मनिर्भर बन सके और रोजी रोटी कमा सके, यानी उनको रोजी रोटी की शिक्षित होने के बाद, पढ़ने के बाद, ज्ञानार्जन करने के बाद उनको रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किया जाए। व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास, सामंजस्य किस किस में सामंजस्य, शरीर में, मन में, समाज के साथ संबंधों में, संवेगों के साथ, आध्यात्म के साथ, और जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, इन सब का विकास यदि होता है तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा प्राप्त होगा। फिर उन्होंने कहा तात्कालिक उद्देश्यों में सांस्कृतिक उद्देश्य, संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, और वो बालक बालिकाओं के व्यवहार से, चरित्र से प्रकट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा, पहला उन्होंने कहा सर्वोच्च उद्देश्य, और दूसरा कहा तात्कालिक उद्देश्य। और तात्कालिक उद्देश्यों में भी उन्होंने जीविका उपार्जन का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य और मुक्ति का उद्देश्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करें। जब हमने चर्चा कर ली कि गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो अब हमें उन्होंने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा उस पर भी चर्चा करनी होगी, उसे भी समझना होगा। गांधी जी का जो पाठ्यक्रम था वो मूलतः बेसिक शिक्षा पर आधारित था, और बेसिक शिक्षा में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पे बल दिया गया, यानी केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, सिद्धांतों को समझ करके उनका प्रयोग करके दिया देखा जाए, क्रिया की जाए, और क्रिया के बाद में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों से ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, जब पाठ्यक्रम की निर्माण की बात आई और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प होना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट। अब बेसिक क्राफ्ट में क्या क्या आता है, कृषि, खेती बाड़ी जो भारत के आत्मा में बसती है, उसके बाद में बागवानी, बागवानी की जानी, बालकों को सिखाई जानी चाहिए, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम, गत्ते का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, यानी विभिन्न प्रकार की जो हमारी धातु और हमारे जो संसाधन है उनसे जो निर्माण, मिट्टी से निर्माण किया जा सकता है, चमड़े से निर्माण, चमड़े की चीजें बनाई जा सकती है, धातु की, गत्ते की, लकड़ी की, लोहे की, ये विभिन्न प्रकार की जो जो कार्य है, वस्तुएं हैं, इनका निर्माण किया जाए। फिर उन्होंने पाठ्यक्रम में कहा, मैंने पहले भी कहा है अपने उद्बोधन में, मातृभाषा, यानी पाठ्यक्रम में मातृभाषा जरूर होनी चाहिए। शिक्षा को ग्रहण करना और शिक्षा ज्ञान की, ज्ञान का ग्रहण और ज्ञान की अभिव्यक्ति यदि मातृभाषा में होगी तो निश्चित रूप से वो ज्यादा उपयोगी होगी। गणित,
मैथमेटिक्स पे भी गांधी जी ने बल दिया है कि गणित भी पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान है वो पाठ्यक्रम में उन्होंने शामिल किए हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करी है उन्होंने कि सामाजिक विज्ञान है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के बाद में स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ और हाइजीन, आपने देखा है स्वच्छ भारत का जो एक संकल्पना एक सपना थी वो गांधी जी की थी, जो आज हम 2020 में 19 में 18 में जाकर के हम इस तरफ और अब 2021 आते आते हम हाइजीन की तरफ से स्वच्छता स्वास्थ्य और स्वच्छता साफ सफाई की तरफ हम बहुत बल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में उन्होंने प्रकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बात करी। फिर गांधी जी कहते हैं कि कला और संगीत भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि पहली से पांचवी तक की कक्षा तक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पहली से पांचवी तक समान सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, उसके बाद बालकों के लिए क्राफ्ट और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा पर गांधी जी ने बल दिया है कि बालक क्राफ्ट का काम करें और बालिकाएं गृह विज्ञान करें। अब गृह विज्ञान में केवल चौका चूल्हा ही नहीं आता, रोटी बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, सिलाई करना, खाना बनाना, गृह विज्ञान में केवल यही नहीं आता। गृह विज्ञान में जो है वो और भी कौशल आधारित विज्ञान आते हैं, तो इसको हमें संकुचित भाव से नहीं देखना चाहिए। ये जो पाठ्यक्रम गांधी जी ने दिया, उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से विद्यालयों में कैसे उस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, किन विधियों से पढ़ाया जाए, कि उन विधियों से पढ़ाया जाने से वो जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य थे वो उनको उनकी प्राप्ति की जाए, इसलिए उन्होंने कुछ शिक्षण विधियों की चर्चा करी। और शिक्षण विधियों में गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, जब अध्यापक अध्यापन करवाता है, शिक्षक जब शिक्षण करवाता है, तो उस समय शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग होना चाहिए। देखिए हम बार बार एक चर्चा कर रहे हैं, क्रियात्मक शिक्षा, हस्तकला, हस्तशिल्प, दस्तकारी, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, बात कौशल आधारित शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में उन्होंने कह दिया कि शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके अध्यापक को अध्यापन करवाना चाहिए, शिक्षक को शिक्षण करवाना चाहिए, और जो अनुभवी है उसे कम अनुभवी लोगों को ज्ञान देना चाहिए। अब शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग कौन कौन से विधि द्वारा होता है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा मान लीजिए कि मिट्टी से आपको बागवानी करनी है, आपको बागवानी खेती, सबसे पहले हम खेती की बात ले लेते हैं, खेती करनी है, क्रिया के द्वारा हल चला करके, जमीन को की जुताई करके, उसकी गुदाई करके, उसमें अन्न को करके, उसमें पानी देके, खाद देके, और फिर पता चले कि खेती कैसे होती है। ऐसे ही यदि बागवानी कर रहे हैं तो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को तैयार करने से लेके बीज का चयन करना, फिर उस बीज को बोना, फिर उस वो पौधों को पल्लवित होते देखना, फिर उन पौधों की उपयोगिता, ये सारी किस तरह से, क्या उसका चक्र है, कितना समय लगता है, ये सारी करके देखे विद्यार्थी, केवल पढ़े नहीं पुस्तकों में। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं विभिन्न धातुओं, विभिन्न वस्तुओं का काम करने की, तो चाहे लोहे का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे चमड़े का काम हो, चाहे गत्ते का काम हो, चाहे कपड़े का काम हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कपड़े से क्या बनाया जा सकता है, कपड़े का क्या उपयोग है, लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है, किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है, लोहे से कैसे कोई वस्तु तैयार होगी, मिट्टी से कैसे कोई वस्तु तैयार होगी, कैसे आकृति तैयार होगी, ये सारी चीजें क्रिया के द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा
कि प्रयोग द्वारा सीखना, प्रयोग करके। अब प्रयोग करके सीखना, हम पढ़ते हैं कि दो प्रकार के जब द्रव्यों का जब मिश्रण होता है तो एक नया ही द्रव्य, उसके गुण और धर्म परिवर्तित हो जाते हैं। वो केवल पुस्तकों तक नहीं होना चाहिए, प्रयोग करके सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से उसका, वो पहले प्रयोग करें और उसके बाद सिखाएं। और उसके बाद में गांधी जी ने कहा कि वाचन, विचार और कर्म द्वारा। वाचन यानी पहले जो भी पाठ्यक्रम में या पुस्तकों में या हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे साहित्य में जो भी ज्ञान का भंडार है उसका वाचन किया जाए, उसे पढ़ा जाए पहले पढ़ करके। तो एक विधि हो गई वाचन, दूसरी हो गई विचार विधि, यानी जो पढ़ा है उस पर विचार किया जाए कि क्या वास्तविक परिस्थितियों में ये चीज संभव है या नहीं है, और विचार के बाद में कर्म द्वारा यानी वो कार्य किया जाए। अब देखिए, यदि हमने, हम ये जब पढ़ते हैं, हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं और दर्शन शास्त्र में जब शिक्षा का इतिहास हम पढ़ते हैं तो शिक्षा के इतिहास में हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रदा प्रथा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, ये सारी जो कुरूतियां थी ये सारी थी। ये क्यों थी, हमने पढ़ी, पढ़कर के आज 21वीं सदी में हम उन पर विचार करें कि ये यदि कुरूतियां भारत में थी तो इन कुरूतियों का के की जड़ में कारण क्या थे, और यदि आज की परिस्थितियों में वो कारण नहीं है तो हम इन कुरूतियों को छोड़ करके एक एक तर्क के साथ, सुतर्क के साथ, किसी लॉजिक के साथ हम उस चीज को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। और कर्म के द्वारा, यानी जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हमारा कर्म है, उसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं। तो ये कुछ शिक्षण विधियां अपने पाठ्यक्रम के बाद में, इसमें सबसे बड़ी बात गांधी जी ने कही, शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जब तक हाव भाव नहीं होंगे, संवेग नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, हलचल नहीं होगी, तब तक आप विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए तो कक्षा कक्ष का महत्व है। हालांकि COVID-19 की वजह से और आज की जो महामारी है और इन परिस्थितियों में हम सब ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, दे रहे हैं, अपने ज्ञान का संवर्धन कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, संरक्षण भी उसका कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान का आदान प्रदान गुरु और शिष्य का आमने सामने बैठ कर के हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद में गांधी जी ने चर्चा करी शिक्षक की, शिक्षक कैसा होना चाहिए, गांधी जी ने शिक्षक को किस रूप में देखा है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षक विद्यार्थियों का मित्र है, पथ प्रदर्शक है और सहायक है। सबसे पहले मित्र, कैसा मित्र, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र, यानी सबसे बड़ी मित्रता है अध्यापक और विद्यार्थी में। तो सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों का मित्र, फिर पथ प्रदर्शक है, वो उसको उसका मार्गदर्शन करता है, उसका निर्देशन करता है, उसका परामर्श देता है। सहायक यानी जहां कहीं भी उसे कठिनाई आती है वहां उसका सहायक है शिक्षक। पुस्तक की अपेक्षा शिक्षक से अधिक सीखा जा सकता है। अभी मैंने आपसे चर्चा की कि पुस्तकों के माध्यम से, यूट्यूब से, वीडियो से, विभिन्न जो सोशल साइट है उससे, गूगल से हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक कक्षा कक्ष में सिखा सकता है उसका कोई विकल्प नहीं है। ये गांधी जी का भी मानना था। गांधी जी ने कहा कि मैंने सदैव ये अनुभव किया है कि विद्यार्थी का यथार्थ पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही है। यानी उनका कहना था कि उन्होंने भी ये अनुभव किया कि शिक्षक जो है वो क्या है, मैंने सदैव यह अनुभव किया है कि विद्यार्थी का यथार्थ पाठ्य पुस्तक शिक्षक है, यानी असली जो पाठ्य पुस्तक है, असली जो ज्ञान का भंडार है, असली जो ज्ञान का सागर है,
असली जो उसे उसे मार्गदर्शन करने वाला है वो शिक्षक ही है। शिक्षक का कार्य एक प्रकाश स्तंभ का है, एक संकेत बोर्ड का है, एक शब्दकोश का है, एक संदर्भ पुस्तक का है और एक मिश्रण प्रक्रिया को गति देने वाले के रूप में शिक्षक जाना जाता है। देखिए कितने सुंदर बात गांधी जी ने कही है कि शिक्षक का कार्य प्रकाश स्तंभ, प्रकाश रोशनी, किसी के जीवन में रोशनी लाने वाला, संकेत बोर्ड बताने वाला कि क्या सही है क्या गलत है, और एक संदर्भ पुस्तक जिसे हम रेफरेंस के रूप में जानते हैं वो है, एक शब्दकोश है, हमारी एक डिक्शनरी है शिक्षक, और एक मिश्रण प्रक्रिया को गति देने वाला है। तो शिक्षक को गांधी जी ने इस रूप में समझा जाना है और आवश्यक माना है। मीलों दूर बैठा शिक्षक भी अपने जीवन पद्धति के द्वारा अपने विद्यार्थियों की आत्माओं को प्रभावित कर सकता है। शिक्षक वो है कि जो मीलों दूर बैठा है लेकिन वो अपने जीवन की पद्धति से, अपने आदर्श से, अपने अनुशासन से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने जो उसके अपने विद्यार्थी हैं, उसके प्रियजन हैं, उनको प्रभावित कर सकता है, उनके आत्माओं आत्मा में परिवर्तन ला सकता है। अब शिक्षक की तो हमने बात कर ली, अब गांधी जी विद्यार्थी के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी के अनुसार विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों कहा गांधी जी ने ऐसा? गांधी जी ने इसलिए कहा कि ब्रह्मचर्य में आप का ध्यान बटता नहीं है, आप एकाग्र होकर के अपने ज्ञान की पिपाशा को शांत कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाते ही आपके दायित्व बढ़ जाते हैं और आपका ध्यान बट जाता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन जब तक रहे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वे संयम, नियम और सदाचारी रहकर स्वयं के कर्तव्य का पालन कर सके। कौन सा पालन कर्तव्य? ज्ञान को प्राप्त करने का कर्तव्य। विद्यार्थियों से गांधी जी ने शारीरिक बल, आत्मिक बल, चारित्रिक बल की अपेक्षा रखी है। गांधी जी का कहना था कि विद्यार्थियों में शारीरिक रूप से वो हष्टपुष्ट होने चाहिए, उनमें शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, आत्मिक यानी उनमें आत्मिक बल भी होना चाहिए, चारित्रिक बल की भी अपेक्षा होनी चाहिए, चरित्र उनका उच्च कोटि का हो, शरीर उनका स्वस्थ हो और आत्मा उनकी बिल्कुल संयमित हो और एकदम निश्चल पवित्र हो उनकी आत्मा। बालक शांत, विनयशील, अहिंसक, जिज्ञासु एवं अनुशासित होना चाहिए। अगर कोई चरित्रवान होगा, मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से गांधी जी का जो विद्यार्थी है वो शांत भी होगा, विनयशील भी होगा, अहिंसक भी होगा, जिज्ञासु भी होगा और अनुशासित भी होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना ही गांधी जी ने की थी। शिक्षक के प्रति आदर, सम्मान एवं श्रद्धा का भाव विद्यार्थी का स्वाभाविक चरित्र होना चाहिए। इन सब गुणों के साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए? ऐसा विद्यालय जहां पर बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी द्वारा विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि यदि हम शिक्षा में हस्तशिल्प और दस्तकारी रखेंगे तो विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था भी की जा सकेगी और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक और व्यवसायिक उन्नति भी हो सकेगी। ऐसा गांधी जी का मानना था। अनुशासन, गांधी जी का जीवन जो है वो अनुशासित था और उन्होंने प्रत्येक के जीवन को अनुशासित, यानी उन्होंने कहा है कि अनुशासन जीवन का अनिवार्य अंग है। लेकिन गांधी जी दमनात्मक और दंडात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। दंड के द्वारा, डंडे के जोर पे अनुशासित नहीं किया जा सकता और दमन करके भी नहीं, किसी को दबा कर भी नहीं। गांधी जी प्रभावात्मक एवं मुक्तिवादी अनुशासन के पक्षधर रहे हैं और ये तभी संभव है जब अभिभावक, परिजन, सहपाठी, शिक्षक और समुदाय के लोगों का आचरण, व्यवहार तथा चरित्र आदर्श एवं अनुकरणीय हो। इस प्रकार से
गांधी जी ने अपनी गांधी दर्शन दिया है, और अंत में गांधी जी ने जो है वो सबसे बड़ी गांधी जी की देन थी, वो थी गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान बेसिक शिक्षा रहा, जिसे हम वर्धा योजना भी कहते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।